ओके, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इस मूवी में इतने छोटे छोटे डिटेल्स हैं कि अगर उन्हें ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया तो क्या चीज कैसे हुई ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी। और अगर इस वीडियो की लेंथ 20 मिनट से ज्यादा की हुई तो मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक वॉर जोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोल्जर्स और आम लोगों को एक टेलीपोर्टेशन के जरिए वहाँ पर भेजा जाता है और यहाँ पर हमें खतरनाक एलियंस की आवाजें सुनने को मिलती हैं। अब यहाँ से कहानी 28 साल पीछे शिफ्ट होती है जब ये सारी घटनाएं शुरू नहीं हुई थी और हमें दिसंबर 2022 का सीन दिखाया जाता है एक ऐसे शहर का जहाँ पर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को रखा जाता है। यहाँ पर हमें डैन नाम के एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक एक्स आर्मी पर्सन होता है और साथ ही हमें बाकी के एसेंशियल कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है जैसे कि डैन की वाइफ एमी और उसकी बेटी म्यूरी। डैन को रिसर्च और एनालिसिस में काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है इसलिए वो कॉम्बैट मिशन को छोड़कर मिलिट्री रिसर्च में एज अ साइंटिस्ट भर्ती होना चाहता है और इंटरव्यू के लिए उसे आज ही निकलना होगा। अब यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर क्रिसमस का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा होता है तो वहीं वर्ल्ड कप भी चल रहा होता है और इनके घर में काफी ज्यादा मेहमान आए हुए होते हैं। खैर, डैन इन सबको छोड़कर इंटरव्यू के लिए निकल जाता है और फोन पर बात करते करते एक ऑफिसर डैन को कई तरह के क्वेश्चन कई तरह के सवाल पूछ रहा होता है, एक तरह का इनफॉर्मल इंटरव्यू ही समझो। अब यहाँ पर डैन को एक बात बताई जाती है कि सिंस कि उसने प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं किया है और उसके पास प्राइवेट सेक्टर में काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उसे ये जॉब ये पोजीशन नहीं मिल सकती और उसके जगह पर किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। डैन यहाँ पर अपनी रिजेक्शन वाली बात को लेकर काफी ज्यादा नाराज काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो अपनी सारी भड़ास एक डस्टबिन पर निकालता है। डैन यहाँ पर काफी उदास होकर घर में एंटर करता है और यहाँ पर डैन की फैमिली एक तरीके से समझ जाती है कि क्या चीज हुई होगी। यहाँ पर डैन की बेटी म्यूरी उसका हौसला बढ़ाती है और उससे ढेर सारी बातें करती है जिसके कारण डैन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये सब टीवी पर चल रहे फुटबॉल मैच को देख रहे होते हैं। और तभी एक टेलीपोर्टेशन एक ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है राइट इन द मिडल ऑफ द गेम और इस ब्लैक होल से ढेर सारे सैनिक बाहर निकलते हैं और इन सैनिकों को देखकर इस ब्लैक होल को देखकर सभी लोग एक तरीके से सुन से हो जाते हैं। इन सैनिकों में से एक सैनिक इनकी कमांडर होती है जिसका नाम होता है लेफ्टिनेंट हार्ट और वो लाइव टीवी पर पूरी दुनिया को बताती है कि वो सब फ्यूचर से आए हैं अब से लगभग 30 साल आगे की टाइम पीरियड से और वो एक भयानक जंग लड़ रहे हैं अ वॉर अगेंस्ट एलियंस और उनके पास सिर्फ 11 महीने का टाइम बचा है उसके बाद धरती से इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर लेफ्टिनेंट हार्ट पूरी दुनिया के लोगों को साथ मिलकर उन एलियंस के खिलाफ लड़ने को कहती है ताकि वो उन्हें हरा सके क्योंकि इस टाइम पीरियड के लोग ही उनकी आखिरी उम्मीद है टू सेव ह्यूमन फ्रॉम एक्सटिंक्शन। अब इस घटना के बाद पूरी दुनिया के लीडर्स आगे आते हैं और अपने अपने सैनिकों को लड़ने के लिए फ्यूचर में भेजते हैं बट यहाँ पर 50% आर्मी तो टेलीपोर्टेशन में ही मर जाती है ड्यूरिंग द लैंडिंग प्रोसेस और जो 10-20% वापस आते हैं उनकी हालत हद से ज्यादा खराब होती है। अब यहाँ पर वर्ल्ड लीडर एक और डिसीजन लेते हैं कि उन्हें ये जंग किसी भी हालत में जीतनी ही होगी इसलिए वो कॉमन इंसान यानी कि आम लोगों को रैंडमली ऑल ओवर द वर्ल्ड चूज करती है और इस प्रोसेस को ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर होता यह है कि इस ड्राफ्टिंग की वजह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन 95% से भी कम हो जाती है और पूरी दुनिया की आबादी 5 लाख लोगों से भी कम रह जाती है। जितने भी लोग फ्यूचर में जंग लड़ने गए होते हैं वो वापस नहीं आ पाते और सर्वाइवर्स की रेट 20% से भी कम होती है और जो सही सलामत वापस आ जाते हैं उन्हें फिर से जंग पर वापस जाना पड़ता है टू फाइट फॉर एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर इस इंसिडेंट को हुए 12 महीने का टाइम हो चुका होता है और हर किसी ने अपने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया होता है इसलिए यहाँ पर कोई भी खुश नहीं होता और वही डैन एज अ साइंटिस्ट स्कूल टीचर में काम करता है और यहाँ पर सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा निराश काफी ज्यादा डिप्रेस होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि देयर इज नो फ्यूचर। अब चाहे वो पढ़ें या ना पढ़ें वो सब के सब एक टाइम के बाद मर जाएंगे और एक स्टूडेंट डैन से यही सारी बात पूछता है कि उनके पढ़ने का क्या मतलब है। डैन यहाँ पर रिप्लाई करता है कि वो इंसिडेंट होगा बट 30 साल बाद होगा और अगर उस इंसिडेंट को होने से कोई चीज रोक सकती है तो वो सिर्फ रिसर्च एंड साइंस है। अब यहाँ पर हम डैन के फोन में एक नोटिफिकेशन को आते देख पाते हैं जो कि उसे इमीडिएटली कमांड सेंटर में रिपोर्ट करने के लिए कहती है
मतलब कि डैन को भी ड्राफ्टिंग के जरिए चुना जा चुका होता है टू फाइट अगेंस्ट एलियंस। और वहीं इतने सारे लोगों के मरने की वजह से अब लोग इस ड्राफ्टिंग सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते हैं। जब डैन उस कमांड सेंटर में एंटर करता है तो उसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर उसे एक चेयर से बांधा जाता है ताकि वो उसे आगे की प्रोसेस के लिए रेडी कर सके। यहाँ पर एक मशीन एक डिवाइस में डैन का हाथ डाला जाता है और ये डिवाइस डैन की सारी रिकॉर्ड्स फाइल को कंप्यूटर पर शो करती है और हम यहाँ पर डैन की डेथ सर्टिफिकेट को देख पाते हैं। असल में ये सारे सोल्जर्स की सारी डिवाइस फ्यूचर की होती है और इस डिवाइस में फ्यूचर की सारी इंफॉर्मेशन सारी डाटा होती है और किसी भी पर्सन का डीएनए का यूज करके वो सारी इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है जो कि फ्यूचर में उसके साथ होगी। और जो लोग 30 साल से पहले मर जाएंगे सिर्फ उन्हें ही जंग पर भेजा जाता है एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और यहाँ पर डैन को बताया जाता है कि उसकी मौत 13 अक्टूबर 2030 को हो जाएगी, मतलब कि अगले 7 साल में, और इसीलिए डैन इस टेस्ट को क्वालिफाई करता है। अब डैन यहाँ पर अपने मरने वाली बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उनसे कई तरह के क्वेश्चन पूछने लगता है कि जैसे कि वो कैसे मरेगा। बट यहाँ पर वो ऑफिसर उसे कुछ भी और नहीं बताते हैं और उसे एक रबर के ब्रेस को चबाने के लिए कहते हैं ताकि वो आगे की प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। बट यहाँ पर डैन उनके किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता और उनके साथ किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करता, इसलिए वो सोल्जर्स उस डिवाइस को ऑन कर देते हैं और यहाँ पर डैन के हाथ में एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस एक जीपीएस को फिट कर दिया जाता है जो कि उसे फ्यूचर में जाने के लिए हेल्प करेगी। अब यहाँ पर डैन को वार्न किया जाता है कि अगर उसने उस डिवाइस को निकालने की कोशिश की या उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसे उम्र कैद की सजा हो जाएगी और साथ ही उसके पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स को भी इस मैटर में घसीटा जाएगा। और अब यहाँ पर डैन के पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम होता है अपने सारे काम खत्म करने के लिए और उसके बाद उसे फ्यूचर में भेज दिया जाएगा टू फाइट अगेंस्ट एलियंस। वहीं डैन की वाइफ एमी एक थेरेपिस्ट होती है जो कि वॉर में गए सोल्जर्स को डिप्रेशन से बाहर लाने का काम करती है ताकि वो सब एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और यहाँ पर डैन सबसे पहले उसी से मिलने के लिए जाता है। एमी यहाँ पर एक सेशन में होती है और वो डैन के हाथ में उस डिवाइस को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो डैन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है क्योंकि फ्यूचर में लड़ने जाना मतलब मौत। डैन यहाँ पर उसे बताता है कि वो उस डिवाइस को नहीं निकाल सकते और गवर्नमेंट उसकी लोकेशन को हर वक्त ट्रैक कर रही है। और यहाँ पर एमी डैन को उसके डैड के पास जाने के लिए कहती है क्योंकि उसके डैड एक रिटायर्ड एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं और शायद वो उस डिवाइस को भी निकाल सकते हैं। पर डैन यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है क्योंकि इनके बीच में रिलेशंस कुछ ठीक नहीं होते। बट यहाँ पर एमी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। दरअसल यहाँ पर डैन के डैड डैन और अपनी वाइफ को छोड़कर बचपन में ही चले गए थे और इवन अपनी वाइफ के मरने पर भी वो वापस नहीं आए और इसलिए डैन उससे काफी ज्यादा नाराज काफी ज्यादा गुस्सा होता है। और यहाँ पर जब डैन उससे हेल्प के लिए जाता है तो डैन के डैड उसकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। बट डैन यहाँ पर काफी ज्यादा नाराज होता है इसलिए वो पुरानी बातों को कुरेदना शुरू करता है जिसकी वजह से इनके बीच में तनाव और भी बढ़ जाता है और डैन के डैड इस पर वाइन फेंक देते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है जिसका एंड रिजल्ट ये होता है कि डैन उस डिवाइस को बिना निकलवाए ही वापस आ जाता है। और यहाँ पर अब डैन के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है अपनी बेटी म्यूरी को कन्वेंस करना। अब यहाँ पर इन्हें इस आर्मी कमांड सेंटर में 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है रिगार्डिंग कि उन्हें उस एलियन के किस पार्ट को टारगेट करना है इन ऑर्डर टू किल इट। और साथ ही इन सभी चुने हुए लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप डी एंड ग्रुप आर। और यहाँ पर डैन ग्रुप आर में होता है। ग्रुप डी मतलब डिफेंस जो कि पर्टिकुलरली एलियन से लड़ेंगे और ग्रुप आर मतलब कि रिसर्च टीम जो कि वहां पर काम कर रहे साइंटिस्टों की हेल्प करेंगे। इस ग्रुप में 2 स्पेशल लोग होते हैं, एक का नाम होता है चार्ली और एक का नाम होता है डॉरेन। चार्ली यहाँ पर डैन को डॉरेन के बारे में बताता है कि वो 3rd time लड़ने के लिए जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड चार्ली एक साइंटिस्ट होता है जिसकी वजह से इनके बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग बनती है। और फिर इन्हें कुछ और लेक्चर्स दिए जाते हैं ताकि इन सभी चुने हुए लोगों की क्वेरीज को आंसर किया जा सके। जैसे कि एक लेडी पूछती है कि जिन एलियन से ये लड़ने जा रहे हैं उनकी कोई फोटो या फिर वीडियो क्यों नहीं है, जिस पर लेफ्टिनेंट हार्ट कहती है क्योंकि अगर वो उन्हें वीडियो या फोटो दिखाएंगे तो शायद ये उनसे लड़ने ही ना जाए।
अभी यहाँ पर सिर्फ इन्हें एक दिन की ट्रेनिंग ही मिली होती है कि इन्हें इमरजेंसी अलर्ट पर इमीडिएटली फ्यूचर में भेजना पड़ता है, क्योंकि इनके रिसर्च लैब पर उन एलियंस ने अटैक कर दिया होता है और उन साइंटिस्टों को बचाने के लिए इन्हें इमरजेंसी में वहाँ पर भेजा जाता है और टाइम ट्रेवल की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ये सीन काफी दिलचस्प होती है क्योंकि ये सारी चीजें आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ही देखने को मिलती है। अब यहाँ पर होता यह है कि इस टेलीपोर्टेशन प्रोसेस में एक एरर आ जाती है और जहाँ पर इन्हें जाना होता है वो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है और ये सब के सब शहर के ऊपर आसमान से गिरते हैं, जिसकी वजह से 90% लोग स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाते हैं। सिर्फ वो लोग ही बच पाते हैं जो कि पुल में गिरते हैं और इन्हें भी काफी चोट आती है। और अब कहानी वहीं पर शिफ्ट होती है जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी और हमें स्टार्टिंग का ही सीन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करें सीन की तो ये सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं और साथ ही उनमें आग भी लगी हुई होती है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर चल रही हो और पूरा एटमॉस्फेयर एलियन की चीखों की आवाजों से गूंज रही होती है। और जो सैनिक पहले से वहाँ पर होते हैं इन्हें एलियंस बुरी तरह से मार रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ये सब के सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ पर हम कहानी को देते हैं विश्राम और आगे की कहानी मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा जो कि कल तक अपलोड हो जाएगी और उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी के साथ। इस वीडियो में इतना ही, सी या।